बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और गुलकारा प्रियंका चोपड़ा के भारतीय फिल्म साज संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की खबरों ने जोर पकड़ लिया दोस्ताना सात खून माफ डॉन टू और बर्फी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने साल दो द स्काई इज देंग नामी फिल्म में काम किया जिसके बाद ऐसी वो बॉलीवुड ऐसी दूर हो गयी भारतीय मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करती रही की प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा ऐसी री देने वाली है लेकिन ये फिल्म तखिर का शिकार हो गयी और तारीख से मुतालिक कोई ऐलान सामने नहीं आया बॉलीवुड मतवाले प्रियंका चोपड़ा की कमी को बेहद महसूस करते हैं और ऐसे में अब भारतीय मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है की अदाकारा संजीव लीला भंसाली की एक्शन फिल्म ऐसी भारतीय फिल्म नगरी में पाँच साल बाद री देंगी इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपने शोहर और गुल्स और बेटी मालती के साथ भारत आई हुई है और कहा जा रहा है की उनका ये दौरा खास तौर पर उनके अगले प्रोजेक्ट्स के हवाले से है इस दौरान अदाकारा ने भारतीय बिजनेस टाइकोन मुकेश अंबानी की बेटी अम्बानी की होली पार्टी में भी बलगारी का बेहतरीन हार पहन कर शिरकत की भारतीय मीडिया का दावा है कि प्रियंका चोपड़ा भारत आमद के बाद से अब तक कई मीटिंग्स अटेंड कर चुकी हैं जिसमें वो अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से फैसले ले रही हैं और उनमें से एक मीटिंग संजय लीला भंसाली के साथ भी हुई है दोनों अगली फिल्म के हवाले से बातचीत कर चुके हैं जबकि अगली मीटिंग में तारीख से मुतालि गुफ्तू की जाएगी वाजिर रहे की प्रियंका चोपड़ा नौ साल काबिल दो में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम कर चुकी है जो एक सुपरहिट फिल्म करार पाई थी